जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के बारे में जानेंगे। ये बातें मनुष्य के जीने का आधार है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ये सीख भी देती है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन ही शब्दों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर ही मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आज जरूर सफल होगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ ले, ना वह कोई साधारण व्यक्ति है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है।
अव्यवहारिक काम बहुत ही ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करे। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन जब लगता है, जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़े, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पल्ला भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले, मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं होता है, कभी कभी यह हृदय में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करे तो लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय ले नहीं पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों से जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ
किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें खुशी और सेहत आती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर आपको ये बातें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।